हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल इनकम इंस्टीट्यूटर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट टू। हमने न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट वन ऑलरेडी बना चुके हैं इसका वीडियो, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हम लोगों का, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन फॉर 99.9% इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सो दैट, एक तरह के प्रूफ करना है हम लोगों को। सो दैट मतलब दिखाना है, प्रूफ करना है। क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है? तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो उसी रिएक्शन के टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम होगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना है, इसी को हम लोगों को शो करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि हम लोगों को सो दैट क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वह उसी रिएक्शन के जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसके 10 टाइम होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि टी निकाल लेंगे 99.9% के लिए टाइम निकाल लेंगे, फिर हम लोग उसको जो भी टाइम आएगा उसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे और उसको इक्वेशन टू कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसमें जो है हमने यहाँ लिख रखा है कि फॉर 99.9% कंप्लीशन। जब हमारा 99.9% है तो जब परसेंट में है, जो कंप्लीट हो रहा है वो परसेंट में कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लेंगे। जो इनिशियल हमारा रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 100, क्योंकि हम लोग को परसेंट में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लेट लिखेंगे ए नॉट, जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसको हम लोग 100 मान लिए। अब हमारा कंप्लीट हो रहा है कितना, तो 99.9%, मतलब ये एक्स का वैल्यू है, तो एक्स हो गया 99.9%। तो फिर रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग ए से नोट कर डिनोट करते हैं, तो 100 माइनस 99.9, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.1। जब हम लोग 100 मान लिए हैं तो ये 99.9 हो जाएगा, परसेंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 100 मान चुके हैं इसको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो हमारा जो एक्स है 99.9। तो फिर ए कितना है, रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना है, तो 100 माइनस 99.9 इक्वल 0.21। अब जो है ये जो कंप्लीट हो रहा है 99.9%, इसका टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टी लिख दिए, लेकिन पहचान में आने के लिए कि किसके लिए टी निकाल रहे हैं, किसका हम लोग टी निकाल ले रहे हैं, तो 99.9% कंप्लीट होने के लिए हम लोग टी निकाल रहे हैं। तो टी का फॉर्मूला जो है हम लोगों का होता है कितना, टी का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये के जो है रेट कांस्टेंट है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोगों का हो जाएगा टी 99.9% इक्वल 2.303 अपॉन के
log, a नॉट का वैल्यू 100 है और नीचे है a का वैल्यू 0.1। पॉइंट जब हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा, तो फिर उसको 10^3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि T 99.9% इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग 10^3, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो हो जाएगा, तो यानी कि 1000 हो जाएगा, और 10^3 का भी मतलब 1000 होता है। अब हम लोग ये तोड़ देंगे लॉग एम के पावर एन के फार्मूला पर। ये लॉग एम के पावर एन तो क्या होता है, एन लॉग एम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको तोड़ दे रहे हैं लॉग के फार्मूला पर। तो यहाँ हमारा जो है हो जाएगा T 99.9% इक्वल ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये जो लॉग एम के पावर एन के फॉर्मूला जो होता है एन लॉग एम होता है, मतलब जो पावर होता है वो शुरू में आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 3 log 10 हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा T 99.9% इक्वल 2.303 अपॉन K इंटू 3 × 1 इक्वेशन। इसको फर्स्ट कर देंगे। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि इसी रिएक्शन का टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। टी हाफ तो टी हाफ इक्वल हम लोग जानते हैं, टी हाफ इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग 2 होता है। यहाँ लॉग 2 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी हाफ इक्वल 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा 0.301। लॉग 2 का वैल्यू इतना होता है, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग सिर्फ 1 में 2 के डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट में इतना है, तो इतना अपॉन इतना हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट को पहले लिखते हैं, T 99.9% ये हो गया सब। इक्वेशन फर्स्ट ऊपर में हो गया, इक्वेशन टू नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ इक्वल, फिर ये पूरा टर्म हमारा ऊपर में हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, नहीं 3 × 1, मतलब 3 × 1 का मतलब वो 3 हो गया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करके 3 हो गया। फिर हम नीचे में इसको डालेंगे, इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है तो 2.303 अपॉन के इंटू 0.301। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2.303 से 2.303 कैंसिल, के से के कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ऊपर में कितना बचेगा, 3 upon 0.301। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन को थोड़ा रेज करते हैं, क्वेश्चन को रेज करते हैं हम। देखो सिर्फ जो है अब हम लोग को आंसर मिल जाएगा, यहाँ है हमारा ये T 99.9% अपॉन टी हाफ इक्वल, ये ऊपर में देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 3000 हो जाएगा। ये यानी कि हम डिवाइड कर देंगे इसमें 3000 में 301 से, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा
3000 इसमें डिवाइड कर देंगे 301 से, तो अप्रॉक्स 10 आ जाएगा। ये अप्रॉक्स 10 वैल्यू होता है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं टी 99.9% इक्वल 10 इंटू, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड से, टी हाफ। और यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हम लोगों को कि जो 99.9% कंप्लीट होने में जो रिएक्शन का टाइम लगता है वह उस रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का 10 टाइम होता है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन है कि हम लोगों को इसमें भी सो दैट मतलब दिखाना है, या कहिए कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वह है उसी अभिक्रिया के, उसी रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने के जो टाइम है उसके टू टाइम होता है, ट्वाइस होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि 99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वह उस रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने वाले रिक्वायर्ड टाइम के ट्वाइस होता है, मतलब टू टाइम होता है। देखो इसमें एक टाइम हम लोगों को निकालना है 90% कंप्लीशन के लिए, और दूसरा का टाइम निकालना है हम लोगों का, सेकंड टाइम निकालना है 90% कंप्लीशन के लिए। और हम लोगों को जो 90% कंप्लीशन का टाइम होगा इसकी इक्वेशन एक फर्स्ट कर देंगे, जो 90% कंप्लीशन होगा उसको हम लोग इक्वेशन सेकंड कर देंगे, और इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए फॉर 99% कंप्लीशन, जब परसेंट में है कंप्लीशन तो फिर हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 100 मान लेंगे। तो लेट ए नॉट इक्वल 100, इतना कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये x का वैल्यू है, तो x हो गया 99। तो फिर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 100 में से 99 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे टाइम इसके लिए, यानी कि t 99% 99% फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम है मैं पहचान में आने के लिए हमने लिखा है 99% था कि टाइम किसका है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए टाइम है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये फॉर्मूला हो गया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। यहाँ हो गया टी 99% इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग, ये ए नॉट का वैल्यू 100 है और ए का वैल्यू है 1, यानी कि 100 को हम लोग 10 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया टी 99% इक्वल 2.303 अपॉन के और लॉग 10 के स्क्वायर, ये लॉग एम के पावर एन के फार्मूला पर आ गया। तो फिर हम लोग लॉग एम के पावर एन के फार्मूला क्या लिखते हैं, एन लॉग एम कर देते हैं, मतलब ये शुरू में हो जाएगा और ये लॉग 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
99% इक्वल 2.303 अपॉन के इंटू 2 log 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं T 99% इक्वल 2.303 अपॉन K इंटू 2 इंटू 1, log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। नाउ जिस तरह से हम लोग 99% कंप्लीशन के लिए टाइम निकाले हैं, उसी तरह से 90% कंप्लीशन के लिए टाइम निकालेंगे। तो फॉर 90% 99 की जगह पर 90 हो जाएगा। फॉर 90% कंप्लीशन, तो 90% कंप्लीशन के लिए भी वही बात है, परसेंट में है, तो फिर ए नॉट 100 हो जाएगा। लेट ए नॉट 100, ए नॉट 100 हो जाएगा, फिर जो एक्स हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 100 माइनस 90, मतलब माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 10। अब हम लोग फाइंड करेंगे टी 90% फार्मूला, बस वही लगाएंगे, 90% है ये 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग ए नॉट है कितना 100 और ए कितना है 10 है, 0 to 0 कैंसिल हो गया, ये हम लोगों का टी 90% निकल रहा है 90%। अब हम लोग लॉग 10 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी 90% इक्वल 2.303 अपॉन के इंटू 1, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब सिर्फ हम लोगों को जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर देना है, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखते रहे डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सब में इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करेंगे, हम क्वेश्चन को रेज करते रहें ताकि जगह बन सके, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को रेज कर दिया। का जो फर्स्ट है उसमें टी 99% है, यहाँ लिखेंगे टी 99% अपॉन एस, जो सेकंड है इसमें टी 90% इक्वल, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है पूरा ऊपर में हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 2, और ये जो इक्वेशन सेकंड है नीचे में हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा टी 99% इक्वल, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 इंटू टी 90%। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि जो रिएक्शन है उसके
99% कंप्लीट होने का जो टाइम होगा उसके 90% कंप्लीट होने का टाइम के टू टाइम होगा, ट्वाइस होगा। ये प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड। इसको आप कॉपी कर लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल वी टेक इट कंज्यूम 90% ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, टी हाफ 60 मिनट दिया हुआ है, और इस हाफ लाइफ टाइम से आप के फाइंड कर लीजिएगा, रेट कॉन्स्टेंट फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद उस रेट कॉन्स्टेंट के वैल्यू जो है, जब आप 90% रिएक्शन को कंज्यूम होना, मतलब एक तरह का नष्ट होना, इसके लिए जब टाइम निकालिएगा तो उसमें आप जो इसका रेट कॉन्स्टेंट फाइंड किए रहेंगे, क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है उसी रिएक्शन का, जिस रिएक्शन का टी हाफ कह रहा है उसी रिएक्शन का 90% कंप्लीट होने की बात कह रहा है, तो जो रेट कॉन्स्टेंट उसका होगा, रेट कॉन्स्टेंट इसका हो जाएगा, तो वो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसमें, तो हमारा हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 60 मिनट, यानी कि हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ से इंडिकेट करते हैं, टी हाफ हो गया 60 मिनट। इसके बाद हम लोगों को टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम जो है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक, मतलब कि टाइम कितना लेगा 90% कंज्यूम होने में। तो टाइम हम लोगों को वाट है, टाइम वाट है, और टाइम जो बताना है ये 90% के लिए बताना है टाइम, यही वाट है हम लोगों का। अब इसमें 90% कंज्यूम हो रहा है तो परसेंट में है, तो इनिशियली हम लोग 100 मानेंगे, तो यहाँ पर लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जिसको हम लोग ये नोट्स इंडिकेट करते हैं, 100 हमने मान लिया, कितना कंज्यूम हो रहा है तो 90%, मतलब 100 हुआ है, 90% 100 में 90 हो गया है, और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, तो 100 माइनस 90 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10। जब हम लोग ये टी हाफ का फार्मूला लगाएंगे तो टी हाफ इक्वल होता है 2.303 अपॉन के और लॉग 2, यहाँ पर फार्मूला होता है। तो हम लोगों को वेन टी हाफ से के फाइंड कर लेना है, तो के चलाएगा टी हाफ के प्लेस पर, टी हाफ चला जाएगा के प्लेस पर, रेट कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे हम लोग टी हाफ के वैल्यू रख करके, तो यहाँ टी हाफ रखते रहे, यहाँ पर हो जाएगा 2.303, टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है 60 मिनट, और ये लॉग 2 का भी वैल्यू होता है 0.301 होता है, एक के हम लोगों का फाइंड हो गया यहाँ से। अब इसी के का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इसमें ज़रूरत पड़ेगी 90% कंप्लीशन के लिए, तो यहाँ पर हम लोग टाइम निकालेंगे। अब हम लोग टाइम का फार्मूला लगाएंगे, 90% कंप्लीट हो रहा है इसलिए 90% लिखते रहे, मेन टाइम का फार्मूला है। अब तो टाइम का फार्मूला होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये टाइम का फार्मूला होता है, बस वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2.303, और के का वैल्यू जो यहाँ मिला है हम लोगों को, के का वैल्यू मिला हुआ है 2.303 अपॉन 60, और यहाँ पर 0.301 है, 0.301, यहाँ पर जो है लॉग है, ये लॉग ए नॉट 100 है हम लोगों का, ए नॉट 100 है और ए 10 है, यहाँ हो गया
100 और नीचे हो गया 10, ये 0 टू 0 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 चला गया ऊपर और नीचे में बच गया ये 0.301 और यहाँ हो गया लॉग 10 का वैल्यू 1। अभी यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 60 में 0.301 के, यानी कि यहाँ पर हम लोग को यहाँ हो जाएगा 60,000, यहाँ हो जाएगा 301, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इतने हो जाएगा, बस सीधे सीधे इसका आंसर लिख देंगे 199.8, जो हमारा के है ये मिनट में आएगा, क्योंकि टी हाफ मिनट में है ना, तो ये मिनट इनवर्स में इसका आंसर होता है, ये मिनट इनवर्स, तो यहाँ पर ये भी मिनट में हो जाएगा, टी हाफ मिनट में है तो के भी मिनट में इनवर्स में होगा, और ये हो जाएगा टाइम मिनट में, तो हो गया मिनट आंसर। इसको आप लोग कॉपी कर लें। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर दियर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो, फर्स्ट 200 सेकंड इनवर्स, सेकंड 2 मिनट इनवर्स और थर्ड में 4 इयर्स इनवर्स। इसमें हम लोगों का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट में 200 सेकंड इनवर्स, सेकंड में 2 मिनट इनवर्स और थर्ड में 4 इयर्स इनवर्स, और इससे हम लोगों को हाफ लाइफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ निकालना है। तो देखो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसमें हम लोग लिखेंगे टी हाफ, रेट कांस्टेंट कितना, टी हाफ लिखेंगे, नहीं सॉरी के लिखेंगे, ये रेट कांस्टेंट मीन्स के होता है, तो के जो है ये 200 सेकेंड इनवर्स से, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2×10^2 सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 100 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 हो जाएगा। अब हम लोगों को हाफ लाइफ निकलना है, टी हाफ निकलना है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/k, यहाँ हो गया 0.693 अपन के का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर के का वैल्यू डालिएगा 2×10^2, तो ये 2 से डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3465 और ये ऊपर जाएगा तो 10^-2 हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, जीरो पॉइंट 3465 0.3465×10^-2 सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो के का वैल्यू है 2 मिनट इनवर्स है, जो के का वैल्यू है वो 2 मिनट इनवर्स है, मिनट इनवर्स, यहाँ के का वैल्यू सिर्फ हम लोग क्या करेंगे कि 2 पुट करेंगे और हम लोगों का आंसर हो जाएगा सिर्फ इतना, सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना सेकंड में आंसर हो जाएगा, नहीं मिनट में हो जाएगा, मिनट में, और जब हम लोग को सेकंड में निकलना होगा इसको तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मिनट में ऐसे आंसर हो गया यहाँ पर, मिनट में आंसर हो गया, लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में मिनट में ना आंसर देकर के सेकंड में आंसर दे दे तो फिर आपको क्या करना होगा 0.3465×60 कर लीजिएगा, 60 ये हो जाएगा सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
इतना हो जाएगा जीरो का, यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे, सेकंड में ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो है थर्ड जो क्वेश्चन है वो 4 ईयर्स इनवर्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे के का वैल्यू थर्ड के लिए, इससे पहले सेकंड बना हुआ था जो यहाँ पर जो था आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े इसलिए लिखते रहे, ये टू जो मिनट इनवर्स है ये सेकंड वाला क्वेश्चन था ये, इसका आंसर ये हुआ। ऐसे तो यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, मिनट में आप ऑप्शन देखना होगा मिनट में आंसर है या सेकंड में आंसर है, तो मिनट में होगा तो फिर ये, सेकंड में होगा तो फिर ये कर लीजिएगा। अब थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड में अब है 4 ईयर्स इनवर्स, 4 ईयर्स इनवर्स, तो यहाँ पर 4 डालेंगे, जब 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.17325 ईयर्स। बट इसमें भी अगर ऑप्शन में ईयर में ना रहे आपका क्वेश्चन जो दिया उसका ऑप्शन ईयर में ना दे करके सेकंड में दे दे, तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 0.17325 में 365 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डेज में चेंज हो जाएगा, फिर जो है 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर आवर में चेंज हो जाएगा ये, फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मिनट में चेंज होगा, फिर 60 से कीजिएगा सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये पूरा जब कैलकुलेट कीजिएगा इसको तो ये आ जाएगा, यानी कि 5 सेकंड हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट एक तरह के यहाँ है तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हम लेफ्ट लेकर के चले जाएंगे, तो आप इतना लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं 53, चलो इतना ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिख सकते हैं। अच्छा जो बना भी देते हैं, चलो देखो यहाँ पर हो जाएगा 53.6112 पॉइंट, कितना डिजिट लेफ्ट ले गए, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, 10^5 10^5 सेकेंड आंसर।